ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस, आप देख रहे हैं नंबर वन स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय जीएनगंज नियर पंजाब नेशनल बैंक लहरिया सराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी नॉन एसी मैरिज हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं हूँ विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। डीएमसीएच में पढ़ रहे फाइनल ईयर के एमबीबीएस के सैकड़ों छात्र का परीक्षा केंद्र एमआईटी मुजफ्फरपुर कर दिए जाने के विरोध में एवं जिले में सेंटर दिए जाने के मांग को लेकर मंगलवार को डीएमसीएच के अक्षिमक विभाग तथा ओपीडी सेवा को बाधित कर छात्रों ने एक यू हाई हाई के नारे लगाए। वही इलाज कराने आए रोगी का इलाज नहीं होने से परिजनों ने घंटों जाम रखा। कल ही बताया था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों का जो सेंटर है वो मुजफ्फरपुर कर दिया गया और बाकी सारे मेडिकल कॉलेज बिहार के जो हैं उनका सेंटर उनके होम सिटी में है, जिससे आहत होकर हमने हेल्थ मिनिस्टर सब जगह गुहार लगाई, बीसी एकयू में गुहार लगाई, लेकिन कहीं से नहीं बात सुने जाने के बाद कल हमने इमरजेंसी सेवा ठप कर दी थी। और कल ही हम लोगों ने कहा भी था कि कल अगर हमारी मांग नहीं पूरी हो जाती है तो हम ओपीडी को भी बंद करेंगे, और आज उसी पे आगे बढ़ते हुए आज हमने ओपीडी सेवा को बंद किया है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आगे भी इस बंदी को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। हम अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक आप लोगों से कुछ सुना? अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक हम लोगों से बातचीत नहीं की जा रही। उनका साफ कहना है कि ये मैटर हमारा नहीं है, ये हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर का मैटर है, तो वो देखेंगे। हम चाहते हैं कि हमें अस्पताल प्रशासन मदद करे। अस्पताल प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को, उन सबको हमने पहले एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया था, लेकिन 4-5 दिन तक कोई कार्रवाई न होने के बाद हम लोग ये कर रहे हैं। अधीक्षक जी, नाम हमारा नाम अभिषेक माधवन 2014। अधीक्षक से जो आपकी वार्ता में कहा गया, अनऑफिस कहा गया है कि हम यहाँ से एक लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं एक्यू को, लेकिन हमें इसकी कोई सूचना नहीं है किस तरह का कोई लेटर फॉरवर्ड किया गया है या नहीं। जैसा अधीक्षक ने बताया कि हमने मंत्री हो या कुलपति हो, सबको हमने अपने तरफ से कह दिया, जिला प्रशासन को कह दिया है, और आप लोगों से जो बातचीत हुई है उस अनुसार वो भी चाहते हैं कि दरभंगा में आप लोग का सेंटर हो, और आप लोगों से उन्होंने गुहार किया कि आप लोग। तो इस प्रकार की तानाशाही का जवाब हम आग्रह करते हैं कि सरकार, हमारा प्रशासन जो है, इस तरह के तानाशाही का जवाब दे, इसका संज्ञान दे। आंदोलन जो है कल शाम से शुरू हुई है, लेकिन हम लोगों ने सीधा से स्टार्ट नहीं किया ये आंदोलन। सबसे पहले हम लोग पटना गए, एक यू में मिले, वीसी से मिले,
वहाँ हेल्थ मिनिस्टर से मिले, सब लोगों को बताया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जब उन लोगों ने नहीं सुना तो हम लोगों ने यहाँ प्रिंसिपल सर के पेरेंट्स सर को बताया ये बात, तो फिर उन लोगों का जब आश्वासन वैसा नहीं लगा कि हम लोगों का मांग पूरा होगा, तो हम लोगों ने सबसे पहले कल शाम में आके इमरजेंसी को बंद कराया। इमरजेंसी बंद कराने का एक ही मकसद था कि हम सब अपना प्रॉब्लम को सरकार तक पहुँचाए, हमारी मांग को सुनी जाए। और हम लोगों ने यह भी बोल दिया था कल शाम में, यदि हमारी मांग नहीं पूरी होगी कल सुबह तक ओपीडी को भी बंद करा दिया जाएगा। और ओपीडी बंद करा दिया गया है और आगे ये तब तक बंद रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती है। जैसे सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर आ जाएगा, हमारा सेंटर दरभंगा कर दिया गया है, उसी क्षण हम लोग इस बंद को ऑफ कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। जो आ रहे हैं गरीब मरीज यहाँ पे, लेकिन सहानुभूति हम लोग के साथ भी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि यदि हम ही लोग अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना इस ठंड के मौसम में जानलेवा है, तो हमारी सहानुभूति उनके साथ है, वो भी हमारे साथ सहानुभूति रखें। ऐसा पहली बार ये पक्षपातपूर्ण रवैया है जो कि वहाँ पे पटना में किया जा रहा है। पटना का किसी भी कॉलेज का सेंटर पटना से बाहर नहीं है, सारे कॉलेज का सेंटर पटना में ही होता है। कॉलेज प्रशासन कल से आप लोग हैं इस तरह के कॉलेज? हाँ, कल से हड़ताल पे हैं और कॉलेज प्रशासन को बता दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग अपना जो मेरा मांग है वो पहुँचा दिए हैं वहाँ पे वो लोग। देखिए आगे क्या होता है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रशांत प्रशांत दारा दाऊल की कब से यहाँ पे हैं? आज 6 बजे आए हैं यहाँ। क्या हुआ, इलाज हुआ? नहीं, बंद है, कोई गुंजाइश नहीं है, बोलता है कि बंद रहेगा आज। अखंड हम लोग के हाथ में पैसा नहीं रहे कहीं पर ले करके जाए। कल भर्ती हमारा मर्द होगा बुध के, चीनी बीमारी में, इसके भी दूसरा होगा। कहाँ से आए? सनखेरा कमलपुर से, बहेरी रोड में। क्या नाम हुआ? हमारा सुलेमा खान। सड़क जाम हम लोग सजित नहीं करते, हम लोग बहुत बेबस हैं इसलिए कर रहे हैं। हम लोग गए DMCH में तो देखते हैं कि बाहर में गेट में ताला मारे हुआ है, पूछे क्यों बांध रहे, तो वहाँ पर स्टूडेंट सब है 20-25 ठो कुर्सी पर बैठा हुआ है, बोलता है क्या कि हमारा होम सेंटर यहाँ किया जाए, इसी के लिए हम घेरे हुए हैं। अब हमसे तो झगड़ा करें किए हैं, हल्ला हंगामा किए हैं, हमारा पेशेंट जो आया है वो पेशेंट जो है सो तबीयत खराब है, बीमार है, शरीर जिसको बीमारी होता है वो समझता है कि बीमारी क्या चीज़ है, और उस पेशेंट को आप रोक रहे हैं, जुल्म नहीं है तो क्या, इतना बड़ा जुल्म से बढ़ के अब क्या जुल्म कीजिएगा, है जान ले लीजिए आदमी का। इलाज नहीं हुआ DMC जी, नहीं हुआ है, हम लोग पूछा लेगा सुपौल से सीतामढ़ी से है, उसका जो है सो लोग पेशेंट है, बच्चा है, बीमार है, तबीयत खराब है, आपको लड़ाई लड़ना है तो आपका वैकल्पिक व्यवस्था से लड़ाई लड़िए, आपको पेशेंट का क्या बिगाड़ा है, जनता क्या बिगाड़ा है। क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार जायसवाल। कहाँ से हैं? हम आए हैं, हम तो यहाँ कैदराबाद से आए हैं, मेरी बख्तियारपुर से आए हुए हैं पेशेंट लेकर के एम्बुलेंस से, और देखें कल से हमारा भर्ती नहीं हुआ, 10 बजे से हड़ताल चालू है, लोग को तो हम के है जो भैया कैसे क्या होगा, तो नहीं निकलिए 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 निकलिए, दौड़ करके इधर जाते हैं, दौड़ करके उधर जाते हैं, कोई डॉक्टर को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पेशेंट का इलाज नहीं हुआ? नहीं नहीं, साफ नहीं हुआ साहब। आज विरोध में क्या कर रहे हैं आप लोग? वही हम लोग कहते हैं हड़ताल टूटे, हम लोग का राहत मिले, दवा दारू मिले हॉस्पिटल से, यही हम लोग विरोध क्या करेंगे, विरोध करने क्या काम, हम लोग को राहत मिले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद रसूल। कहाँ से आए? सिमरी बख्तियारपुर से, जिला सहरसा आए हैं, पंदोक से, 9 बजे से बैठे हुए हैं, DMCH में ताला लगा हुआ है। कितना पैसा खर्चा करके हम वहाँ से आएंगे या फिर जाएंगे, ठंडा का दिन है कि नहीं? पेशेंट का इलाज नहीं हुआ? नहीं, ताला भरा हुआ है तो कैसे इलाज होगा, नहीं काटेंगे तब तक इलाज नहीं चालू करता है डॉक्टर लोग, यहाँ का ही बीमारी है, कोई दवा नहीं मिल रहा है, दवा लिख दिया ले आओ बाहर से, जो दवा मिलता है अंदर में वो अपना सेल करता है। क्या नाम हुआ? मेरा काम नहीं दे, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ आए तो DMCH में ताला लॉक कर दिया, पहले से इतना मरीज सब आया, सब घूम के गया, सबका इलाज बाकी है, अभी 1% भी थी लेडीज का, बच्चा का कुछ भी रहे, सर्दी खांसी रहे, वो बीमार होके डेड करके चला गया है, और वहाँ पर हम भी आए, मेरे कंठ में कुछ फंसा हुआ, इलाज के लिए आए हैं, यहाँ बोलता है डॉक्टर दवा भी देगा, दवा भी नहीं देगा, ऊपर से हड़ताल कर दे, जो भी इलाज करता वो भी इलाज नहीं कर रहा है, स्टूडेंट सब का मांग है तो अपना रोड पर जाके जमा करे, DMCH को क्यों बंद कर दिया, डॉक्टर भी आते तो सही ढंग से बात नहीं करते, इतना गाली दे के गए, थूक फेंक के गई है मुँह पर, पर्सन को बोले कि तुम्हारा इलाज करेंगे ऐसा डॉक्टर बोल के गई है, उस डॉक्टर का क्या करेंगे हम लोग? इलाज नहीं हुआ यहाँ पे? इलाज नहीं हुआ, मेन ताला लॉक कर देता, जहाँ पुर्जा नहीं कटाइए तो वहाँ डॉक्टर नहीं देखता है, जब तक आप पुर्जा कटाइए तब डॉक्टर आता है, नहीं दिया जा रहा, मेन गेट पर ताला मार दिया है। क्या नाम हुआ? लाली भारती।
कहाँ से है? मधुबनी से। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का स्थायीकरण एवं मासिक वेतन मान में बढ़ोतरी को लेकर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति दरभंगा के तत्वाधान में चल रहे हड़ताल के 31वें दिन सोमवार को श्वेता सुमन की अध्यक्षता में लहेरिया सराय टावर को घंटों जाम रखा गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हजारों की संख्या में सेविका एवं सहायिका ने आंदोलन का समर्थन किया। सशक्त बनावा के लेल दैनिक मजदूरी जे छै मजदूर के तत्ते कम से कम तू दही 18,000 रुपया दे के बात करही, सहायिका के 12,000 रुपया दे के बात करही। ते हम कह चाहे छी, ते हम कह चाहे छी भाई लोकन जे दू घंटा दिक्कत है, कष्ट के हम सामना करू, लेकिन जे सरकार हिनका मान सम्मान के रक्षा नहीं कर रहा हन, हिनकर मांग के नहीं मान रहा हन, ऊपर से चिट्ठी पठावे छे, जहां हड़ताल नहीं तोड़ब तहां के हम चयन मुक्त कर देव, अहां के हम नौकरी से हटा देव, अहां के हम आंगनबाड़ी में नहीं रहा देव। तो ते हम कह चाहे छे सरकार के, ए नीतीश कुमार, ए धरती पर में हिटलर जे छे से अपन रुतबा देखलके हिटलर मुट गेले, मुसोलिनी जे छे अपन रुतबा देखलके मजदूर से टकरेले मुसोलिनी मिट गेले, चार जे छे से रूस के अंदर मजदूर से टकराए के कोशिश कलके चार जे छे वो मिट गेले। अहां के हम कह चाहे छी आज तक जे मजदूर वर्ग से टकराए के कोशिश कलके हन, जे महिला से टकराए के कोशिश कलके हन, और नहीं रहले हन। हम लोग एकदम केंद्र में ताला बंद करके हड़ताल पे बैठी हुई है, हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और इनका मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, और सरकार से जब तक ये सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करवाती है तब तक आर पार की हमारी लड़ाई है। हम सरकार को आज सड़क पर बैठे हुए हैं, कल संसद में जाके बैठेंगे और वहाँ तक हम अपनी लड़ाई के माध्यम से हम अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। ये हमारी आर पार की लड़ाई है, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तब तक हमारी सेविका सहायिका को 18,000 न्यूनतम वेतन जो है वो लागू करें, और इसके साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और सरकार को भी आने वाले चुनाव में 2019 में जो चुनाव है उसमें हम लोग सरकार को बदल के रख देंगे, और जो सरकार आंगनबाड़ी का काम करेगा वही देश पर राज करेगा, यही हमारा नारा है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का नारा है, सरकार बदल के रख देंगे। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति है, आज यहाँ हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, कल संसद को घेर के रखेंगे, बिहार बंद रखेंगे, और कल पूरे बिहार की बंदी है, हमारी बहनों जगह जगह जाके रेल जाम करेगी, जगह जगह जाके आंदोलन करेगी, सड़क जाम करने का काम करेगी, पूरे बिहार बंद है, बंद करवा के रहेंगे हम लोग। एक महीना 3 दिन से आज हड़ताल चल रहा है, 4 बार इस बीच में वार्ता हो चुका है लेकिन संतोषजनक वार्ता नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमारा हड़ताल जारी है। आज 8 और 9 जनवरी को पूरा ऑल इंडिया हड़ताल पर है, पूरे जितने भी मजदूर बैंक LIC जहां भी जो कर्मचारी मजदूर किसान जितने हैं सब आज से रोड पे उतरे हुए हैं, और हम लोगों की जहां तक के मांग है 15 सूत्री मांग को लेकर के हम उतरे हैं, मेरी मुख्य मांग है कि हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो, अगर सरकारी कर्मी का दर्जा जब तक हमारा नहीं होता है
रुपया सहाय गांव को दो, चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यह लॉ बना है कि किसी भी मजदूर का 18,000 से कम मानदेय नहीं रहेगा, तो फिर यह सरकार हमसे 3,750 में कैसे काम करा रही है। और इसी एक्ट को लेकर के हमारे माननीय सुशासन बाबू 18 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर हुए हैं इसका अवहेलना करने पर, और हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, सौतेलापन करते हैं, तो हम लोग इस बार उनको कहीं दोबारा न कोर्ट में जाने के लिए मजबूर करें और उनको गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसलिए कि अगर मेरी मांग गलत है तो वो हमें बताएं, अगर अन्यथा मेरी मांग गलत नहीं है तो हमें 18,000 रुपया दें, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमें दें। अभी तो हम कल्याण मंत्री का पुतला दहन किए हैं 29 दिसंबर को, अब कल के बाद से फिर मेरा शुरू है, मुख्यमंत्री की आरती निकालेंगे, नरेंद्र मोदी की आरती निकालेंगे और हमारी कल्याण मंत्री जो है मेनका गांधी, उनकी भी आरती हम लोग निकालने वाले हैं, और जब तक समझौता नहीं होगा हमारा उग्र आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों को अपमानित भाषा का प्रयोग कर अपमान करने के विरोध में मंगलवार को लहेरियासराय टावर पर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। नीतीश कुमार जी ने कल बयान तो महागठबंधन सड़क छाप गठबंधन, अब मुख्यमंत्री जी भाषा की मर्यादा भी भूल गए हैं और जनता का ध्यान बांटने के लिए आज जब हिसाब देने का उनका समय आया है तो नीतीश जी हिसाब दे जो किसान के लिए क्या किए, लॉ एंड ऑर्डर उनके राज्य में पूरा राज बिगड़ रहा है, तब वो कह रहे हैं जो ये महागठबंधन सड़क छाप गठबंधन। मुख्यमंत्री जी इसी महागठबंधन से आप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, आज जिसको आप सड़क छाप कर रहे हैं यही गठबंधन कल आपको सड़क पर खड़ा करेगी, आज हम लोग उसी के खिलाफ इस कर रहे हैं। और आज जनता दल के यू के लोग आज भाषा की मर्यादा भूल गए हैं, हमारे सांसद ईसा भारती के बारे में बयान दिया, इतनी अभद्र बात। अब जब आप भाषा की मर्यादा भूल जाइएगा, जब जुबान फिसलती है तो महाभारत का युद्ध होता है। तो मिला के चलने वाले गठबंधन या महागठबंधन, वो भी किसी न किसी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, एक गठबंधन के आदमी दूसरे गठबंधन को ओछ राजनीति करें ये शोभा नहीं देती है। इसलिए आज हम दरभंगा के जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, रालोसपा हो या और जो भी हमारे गठबंधन में है, सारे लोग उनके कोची हरकत का पुतला दहन के रूप में विरोध कर रहे हैं। ये हमारे सुशासन मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उनको पता नहीं है कि संसदीय भाषा किस प्रकार से बोली जाती है, विपक्षी नेता के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, हमारे महागठबंधन के नेता को बोलते हैं कि वो सुरक्षा के लोग हैं, मतलब इतना निचले स्तर की राजनीति करना नीतीश कुमार से कोई सीखे, और ये अपने आप को बहुत ही घमंडी मुख्यमंत्री समझते हैं। आज जनता रोड पे है, आशा रोड पे है, आंगनवाड़ी रोड पे है, रसोईया रोड पे है, उनको इस चीज़ की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है ऐसे लोगों की कि आज तानाशाही फरमान अपना कुश्ती लागू कर दें, शराबबंदी हो गई, बालूबंदी हो गई, पॉलिथीन बंदी हो गई, मांगों के साथ उनका पुतला दहन किए थे, जिसमें तमाम दरभंगा जिला के महागठबंधन के जिला अध्यक्ष शामिल हुए थे, राष्ट्रीय जनता दल के, वीवीआईपी पार्टी के और हमारे कांग्रेस पार्टी के, रालोसपा पार्टी के सारे लोग यहां पे मौजूद थे। मजदूरों के मानदेय में वृद्धि, स्थायीकरण सहित 15 सूत्री मांगों के समर्थन में केंद्रीय श्रम संगठन संघ के आमटन पर दरभंगा में 8 एवं 9 जनवरी मजदूर हड़ताल पर रहेंगे। मंगलवार को 10 ट्रेड यूनियन के समर्थन में कर्पूरी चौक से विशाल रैली निकाली गई, जो नाका नंबर 6 लोहिया चौक होते हुए लहेरियासराय टावर पहुंची, धरना प्रदर्शन के उपरांत सभा में तब्दील हो गई।
से माने ट्रेड यूनियनों की तरफ से ये आम हड़ताल है 8-9 को, जिसमें आशा कर्मी, रसोइया, विभिन्न तरह के जो जितने घटक हैं सब एक टू से जो है बैनर के तले जो है सो जुलूस निकाले हैं। हम लोग कर्पूरी चौक से ये छौनाका होते हुए लोहिया चौक होते ये टावर पर पहुँचे। ये जो नीतीश सरकार है ये 44 तरह की कानून जो में संशोधन करने जा रही है और वह कॉर्पोरेट घराने के माने पक्ष में वो बनाने जा रहा है। ये श्रम का सम्मेलन जो हुआ 45 और 46 जो श्रम सम्मेलन हुई उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ वो आज तक जो है ये सरकार लागू नहीं किया। जो सभी ट्रेड यूनियन है ये सभी आशा वाली ये सबके हित में उसमें वो मानदेय का निर्धारित किया गया था उसको आज तक ये नीतीश सरकार लागू नहीं किया। जो माने रसोइया हो ये सब जो है प्रधान राष्ट्रपति को भी भेजा गया था, कार्ड के द्वारा भेजा गया था कि भाई ये जो 45 और 46 जो संशोधन हुई है, ये जो कानून श्रम सम्मेलन हुई उसमें जो पास हुआ उसको लागू किया जाए। ये सरकार इसीलिए ये आज सभी 10 ट्रेड यूनियन मिल करके ये पूरे भारत आज हमारी ये प्रदर्शन हुई है और कल जो है ये पूरा चक्का जाम रहेगा पूरा भारत। क्या नाम हुआ? रामनारायण पासवान उप भोला जी एक्टू सचिव। मजदूरों का हड़ताल है, हम बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ की ओर से अपनी जो है कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे बिहार की रसोईया है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि पूरे बिहार में जो मजदूरी एक्ट है, पूरे देश में जो मजदूरी एक्ट है, जो श्रम कानून कहता है कि सभी लोगों को न्यूनतम मजदूरी 18,000 मासिक चाहिए। रसोईया जो है लगातार अपने आंदोलन के प्रति जागरूक रही है लेकिन बिहार और केंद्र की सरकार 18,000 मासिक मानदेय नहीं कर रही है। हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कल 7 जनवरी से हैं। हम तब तक रहेंगे जब तक बिहार और केंद्र की सरकार हमारे मानदेय को जो 18,000 नहीं करती है और जो है तमाम स्कीम वर्करों को सरकारी सेवा घोषित नहीं करती है। इनकी बात करते हैं लेकिन आज जो है स्कीम वर्करों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा रसोईया ये तमाम महिलाएं ही कार्य करती हैं। आज 1 तारीख से आशा कार्यकर्ता हड़ताल पे है, 5 तारीख से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पे है अपनी मांग के समर्थन में, और 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन पर ये रसोईया भी हड़ताल में जा रही है। लेकिन आज केंद्र और बिहार की सरकार जो है चुपके साधे हुए हैं, इन लोगों को बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में 10 ट्रेड यूनियन मिलकर आज तमाम स्कीम वर्कर को सरकारी सेवा घोषित करने के लिए 18,000 मानदेय करने के लिए आज पूरे भारत में और पूरे बिहार में आंदोलन चल रहा है। कल दिनांक 9 जनवरी को समस्तीपुर मंडल द्वारा दरभंगा स्टेशन पर नव स्थापित विशाल राष्ट्र ध्वज का आधिकारिक ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण में रेल कर्मियों के अलावा स्कूल के बच्चे एवं सुरक्षा बल के जवान भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड के आह्वान पर आयकर कर्मचारी महासंघ द्वारा आज मंगलवार को 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने पूरी तरह सारे कार्यों को ठप कर दिया। इस हड़ताल में दरभंगा आयकर यूनिट के सेक्रेटरी संजीत कुमार मंडल, प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद, प्रमोद पासवान इत्यादि लोग मौजूद रहे। सरकार को निर्णय लेना है, सरकार अपना क्या कहते हैं इस पर कि नई पेंशन व्यवस्था जो है इसको समाप्त किया जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को जो है ना लागू किया जाए। बस हमने ये जो
नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, की गई थी सरकार के द्वारा, इसको स्क्रैप करने के लिए और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे विभिन्न मांगे हैं, लेकिन ये मांगे भी प्रमुख रूप से है। दूसरी है कि जो आउटसोर्सिंग की जा रही है सरकार के द्वारा, उसको रोका जाए और जितनी भी रिक्तियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको भरा जाए। साथ ही साथ जो अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए 5% की सीमा जो है उसको समाप्त कर जितने भी लंबित मामले हैं उसको निष्पादित किया जाए। हमारे यहाँ बहुत डेली वेजेस हैं जो कि लगभग 14-15-12 वर्षों से यहाँ काम करते हैं और उनका अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है, तो यह भी एक मुद्दा है। इस तरह करके हमारे विभिन्न मांगे हैं जिसके लिए हम लोगों ने 2 दिन के इस जो आयोजन हुआ है राष्ट्रव्यापी हड़ताल का, उसमें दरभंगा यूनिट आयकर विभाग सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहा है। मैं इस सेंट्रल एम्प्लॉय यूनियन का जोनल सहायक सचिव हूँ और हमारा यूनियन ये जो मजदूर विरोधी नीति है, मजदूरों पर जो लगातार हमला हो रहा है, रेल में जो रेल को जो FDI के हवाले कर दिया, पूरे देश को कंपनियों के हवाले कर दिया, इस तमाम सवाल पर जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन आम हड़ताल 2 दिन से कर दिया है, उसका नैतिक और सक्रिय समर्थन कर रहा है। सक्रिय समर्थक के रूप में हम लोग जगह जगह कहीं पर काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं धरना चल रहा है, कहीं मैंने हंगर स्ट्राइक चल रहा है, तो उसी मैंने दरमियान हम लोग पूरे नए सारा से काली पट्टी बांधते हुए सबसे समर्थन देते हैं लेते हुए अभी दरभंगा कर्मचारी के पास जाएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल भी मेरा प्रोग्राम है और जब जब ये मजदूरों पर दमन होगा हम इस ट्रेड यूनियन के साथ हैं। आज की खबर अब यही संपन्न हुई, दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय GN गंज नियर पंजाब नेशनल बैंक लहरिया सराय दरभंगा। कॉन्फ्रेंस विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC नॉन AC मैरिज हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924